Dear student, welcome to the class 12 practical classes. In the class 12, there are two sections in practical. In the first section, section A, the electricity related to electricity, Ohm's law, meter bridge, potentiometer. So with the help of Ohm's law, we can measure the resistance of a metallic conductor. Similarly, with the help of the meter bridge, while we have seen in the theory paper, meter bridge, which is based on the principle of Wheatstone bridge, the value of unknown resistance can be calculated. Theoretically we have seen, and here we will practically do. Similarly, the potential, on the basis of potentiometer, there is an experiment to compare the EMF of cells and to find the internal resistance of a cell. This in theory we have seen, and generally question comes in theory paper from meter bridge and potentiometer. Either meter bridge or potentiometer, on the basis of these two, one question must be asked. Here I am using must be asked in the board examination. On the basis of a meter bridge, the numerical problems are there. In the potentiometer also numerical problems are there. And here you will see the experiment, the first experiment. Here you see the first experiment, the aim of experiment, to establish the current voltage relation, that is the Ohm's law. Current voltage relation, that is the Ohm's law. And statement of Ohm's law we have seen in the theory paper. The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end of the conductor. Theoretically देखे हैं, और Ohm's law का derivation with the concept of drift velocity already derived, और वो video देख करके you do practice more and more and more. So generally question एक आ ही जाता है with the concept of the drift velocity derive या deduce the Ohm's law relation, ऐसा करके आता है उसमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन I बराबर एन ई ए वी डी, और उस बेस न्यूमेरिकल भी आता है. तो आज का प्रैक्टिकल का एम है टू एस्टेब्लिश द करंट वोल्टेज रिलेशन, दैट इज द ओम्स लॉ एंड फॉर मेटालिक कंडक्टर एंड फाइंड इट्स रेजिस्टेंस. तो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट आर द एपरेटस रिक्वायर्ड, ये वीडियो देख करके आप नोट करेंगे, और आपके पास जो प्रैक्टिकल कॉपी होगा उसमें भी नोट करके प्रेस करके जो डाटा बनाएंगे, यहाँ ग्राफ बनाएंगे, सारा ये करना है. रीडिंग जो देंगे फिलअप करना है. और आफ्टर दिस लॉकडाउन व्हेन यू विल रिपोर्ट फिजिकली टू द विद्यालय, प्रैक्टिकली विल टेक रीडिंग दैट टाइम. लेकिन सारा चीज़ को प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखना है, और उसको फिर प्रिंसिपल साहब से भी साइन कराना है. एक एक होते जाएगा, साइन होते जाएगा, ताकि वो दिसंबर में जा करके प्रैक्टिकल लिखना है, प्रैक्टिकल लिखना है, और परेशान प्री बोर्ड का प्रिपरेशन अफेक्टेड, ये सारी समस्या से हम लोग बच सकते हैं. तो अपडेटर्स क्या चाहिए, एक चाहिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल. स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल जो है एक छोटा सा डिब्बा होगा, उसके ऊपर लिखा रहेगा 2 ओम 3 ओम 5 ओम, या वो अगर कॉइल नहीं है तो ये रेजिस्टेंस वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, एक ऐसा रेजिस्टेंस वायर लेंगे जिसका रेजिस्टेंस अननोन नहीं रहेगा, एक्सपेरिमेंटली हम लोग निकालेंगे. उसके बाद टू ड्राई सेल चाहिए, ड्राई सेल पावर सप्लाई के लिए, वो डीसी करंट यहाँ जरूरी है. अगर बैटरी एलिमिनेटर है तो सेल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एसी में कनेक्ट कर देंगे,
और वो कन्वर्ट करके रिक्वायर्ड जितना डीसी चाहिए वहाँ ट्विनर रहता है, ट्विनिंग करके चेंजर करके हम लोग कर सकते हैं। और एक एमीटर चाहिए, वी नीड एन एमीटर है ना, ऑफ रेंज है 3 mA है ना, 3 mA रेंज का एमीटर चाहिए। और थिक वायर चाहिए, मोटा वाला वायर कनेक्टिंग करने के लिए, जैसे वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, एमीटर कनेक्ट करना है, बैटरी कनेक्ट करना है, तो थिक वायर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन एराइज होता है व्हाई वी शुड टेक थिक वायर, इफ वायर इज थिक देन इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी नेग्लिजिबल, मैंने वी कैन इग्नोर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ओनली जो कंडक्टर हम लेंगे जिसका रेजिस्टेंस निकालना है उसी वही वाला का रेजिस्टेंस आएगा, इसलिए थिक वायर की जरूरत है। और सैंड पेपर भी चाहिए, सैंड पेपर इसलिए चाहिए जो कनेक्टिंग वायर है, ये वायर दिखा रहे हैं, ये जोड़ने के पहले ये वाला पोर्शन को सैंड पेपर से साफ कर लेंगे ताकि इसमें जो कोटिंग है इंसुलेटिंग इंसुलेटर है वो साफ हो जाएगा, इसलिए सैंड पेपर चाहिए, ये सब ऑपरेटर चाहिए। अब चलते हैं इसके लिए थ्योरी है ना, जैसे जैसे स्टेप लिख रहे हैं इसी को प्रैक्टिकल कॉपी में भी लिखना है ना? तो फॉर दैट वन थ्योरी क्या चाहिए इसमें, थ्योरी थ्योरी जो है ये ओम्स ला, ओम्स ला, ओम्स ला क्या है, द एंड थ्योरी पेपर में थ्योरी क्या, व्हाट थ्योरी इन्वॉल्व इन दिस एक्सपेरिमेंट, द करेंट फॉलोइंग, करेंट फॉलोइंग थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू आ कंडक्टर इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आई प्रोपोर्शनल टू वी और वी प्रोपोर्शनल टू आई, दिस इक्वल टू वी बराबर आर आई, वेयर आर इज ए कॉन्स्टेंट एंड नोन एज ए, ये क्या है कॉन्स्टेंट है एंड नोन एज ए रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर थ्योरी पेपर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, इट मीन्स आर इज इक्वल टू व्हाट विल बी देयर वी बाय आई, पूरा आप मतलब, तो ये थ्योरी हो गया इसका। अब इसके लिए चाहिए सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, हेयर इज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है अननोन रेजिस्टेंस का वायर है, ये रेजिस्टेंस क्वाइल है, इसके पैरेलल में जोड़ेंगे वोल्ट मीटर, विल जो वोल्ट मीटर राइट, और सीरीज में जोड़ेंगे एमीटर, क्यों जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टिव डिवाइस है, अभी अभी थ्योरी पेपर में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कन्वर्शन ऑफ वोल्ट मीटर, कन्वर्शन ऑफ एमीटर पढ़ाए हुए हैं, एमीटर को सीरीज में जोड़ेंगे क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और नाउ इसको बढ़ा के सोर्स ले लेंगे, सेल ले लेंगे, चाहे जो है एलिमिनेटर ले लेंगे, दिस इज द की स्विच, नाउ वी विल डू लाइक दिस, हियर वी विल डू दिस वन और ये लगा देंगे, ये क्या है रियो स्टेट है, रियो स्टेट, ये वोल्ट मीटर, दिस इज द रेजिस्टेंस आर, रियो स्टेट प्रैक्टिकली जब लगाएंगे इस टाइप का होगा, ऐसे लगा देंगे और इसको आगे पीछे करेंगे, रेजिस्टेंस वेरी होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी होगा, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यहाँ देख रहे हैं थ्योरी में आर बराबर क्या है वी बाय आई, यानी आर प्रोपोर्शनल टू वी या वी प्रोपोर्शनल टू आर, इसका रेजिस्टेंस वेरी करेंगे तो पोटेंशियल भी वेरी हो जाएगा, तो ये स्लाइड करने वाला है, इसका नाम है रियो स्टेट, या दूसरा नाम है इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस, लगाएंगे और ये है वोल्ट मीटर, दिस इज द वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इससे यहाँ तार ला के यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ से तार ला के यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ अननोन रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अब वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट निकालना है, प्रैक्टिकल करते समय लिस्ट काउंट चाहिए,
लिस्ट काउंट का मतलब है कि मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। तो यहाँ जीरो से लेकर फाइव तक जितना डिवीजन है, दस डिवीजन है, मतलब दस डिवीजन में फाइव वोल्ट, तो एक डिवीजन में कितना वोल्ट निकल जाएगा वो लिस्ट काउंट होगा, निकाल लेंगे। और ये है आमीटर, दिस इज द आमीटर। आमीटर को यहाँ कनेक्ट करेंगे इस तरह, इस तरह एक टायर वायर आके यहाँ जुड़ जाएगा, और यहाँ से वायर जोड़ के इसको बैटरी से जोड़ देंगे, और ये फिर कनेक्टिंग वायर, ये सर ये सारा जो वायर होगा ये थिक वायर होगा, ये कनेक्टिंग वायर जो है थिक वायर होगा। थिक वायर लेने का मतलब है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। हम जानते हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया मोर रेजिस्टेंस लेस, यही के बराबर होगा। अगर ये पतला लेंगे तो इस रेजिस्टेंस में इसका इफेक्ट पड़ जाएगा। ये सारा सेटअप जो है, और ये कनेक्टिंग वायर यही वाला है, इसको इधर से जोड़ के लाएंगे, फिर इधर से जोड़ के लाएंगे, प्रैक्टिकली जब देखेंगे ये सर्किट डायग्राम है। इसी स्टेप में प्रैक्टिकल कॉपी में भी उतारना है। अब आएगा प्रोसीड्योर, सर्किट डायग्राम के बाद आएगा प्रोसीड्योर, क्या क्या प्रोसीड्योर किए, तरीका अपनाए हुए, प्रोसीड्योर, 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 विधि, विधि क्या है। पहला विधि है, सबसे पहले स्विच को ऑन करेंगे, करंट इधर से जाएगा, कितना करंट जाएगा इसका इंडिकेटर बता देगा, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस इसका जो पॉइंटर है वो बता देगा। वोल्टेज चेंज करना है तो इसको आगे पीछे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, है ना। ये स्टेप चार पांच स्टेप है, प्रोसीड्योर है, प्रैक्टिकल बुक को पढ़ करके चार पांच लिखना है, लेकिन जब सीबीएसई का फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम देना है तो उसमें प्रोसीड्योर नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ लिखना पड़ेगा एम ऑफ एक्सपेरिमेंट, तब लिखना पड़ेगा व्हाट अप्रेटस रिक्वायर्ड, थ्योरी, सर्किट डायग्राम, अब चलेंगे ऑब्जर्वेशन, विल डू द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे इस तरह, लाइक दिस टेबल विद फ्रेम, ये सीरियल नंबर, या आमीटर रीडिंग, आमीटर रीडिंग, रीडिंग जो है एम्पियर में होगा, फिर वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर रीडिंग जो होगा, और उसके बाद, इसके बाद जो है देन वी विल डू हेयर आर, आर का वैल्यू क्या होगा, वी बाय आई, सीरियल नंबर वन, स्विच ऑन करेंगे, सबसे पहले रियल एस्टेट को एडजस्ट करके, मान लो करंट जा रहा है कितना 1 एम्पियर, उस समय पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट लगाया, ये वैल्यू कितना होगा, वी बाय आई, 0.5 वोल्ट बाय क्या 1 एम्पियर, रिजल्ट कितना होगा, ये 0.5 ओम हो गया, क्योंकि वोल्ट पर एम्पियर बराबर ओम। फिर सेकंड वाला में आप 1.0 वोल्ट लेंगे, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे ये बढ़ के हो गया 2 एम्पियर, और इसका रेशियो निकालेंगे 1.0 बाय 2, तो ये भी वैल्यू कितना है 0.5, देखो रेशियो सेम आ रहा है ना, दिस रेशियो इज कांस्टेंट। थर्ड में मान लो पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 लिया तो ये हो गया 3 एम्पियर, राइट, और यहाँ पर भी सॉल्यूशन निकालेंगे तो 0.5 ओम हो जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस हुआ वो किसका हुआ, इस वायर का हुआ, अननोन रेजिस्टेंस। ये तीन चार, कम से कम तीन ऑब्जर्वेशन लेना है। ये हो सकता है कभी कभी क्या होगा, अलग होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस वैरी हो जाएगा, तब तीनों का एवरेज ले लेंगे और एवरेज रेजिस्टेंस आ जाएगा। नाउ विल सी द ग्राफ, ग्राफ देखना है इसका ग्राफिकली, ग्राफ क्योंकि ओम्स लॉ में क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, तो ये वी आई ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, क्योंकि इस्टेब्लिश द करंट वोल्टेज रिलेशन इस्टेब्लिश करना है कि दोनों कैसा नेचर में करंट वोल्टेज है, प्रोपोर्शनलिटी है कि नहीं,
तो ये भी इधर 0.5, 1, 1.5, फिर जो है 2, और इधर में ले लिए 1 एम्पियर, ये एम्पियर में है और ये वोल्ट में है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 0, 0.5 में 1, इसमें ये लाइक दिस ऐसा आ गया, ये आ गया तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है भी प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई, राइट। इस ग्राफ से, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस, ग्राफ से भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट ले लिए और ये पॉइंट ले लिए, इसको मिला दिए, इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ क्या है ये, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, आई वी ग्राफ, राइट, आई वी ग्राफ, आई वी ग्राफ ले लेंगे। तो स्लोप क्या होगा, ये चेंज हो गया, ये हो गया क्या, डी आई हो गया, ये वाला चेंज क्या हो गया, डी वी हुआ, यानी आई बाई कितना, आई बाई वी। तो स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज इक्वल टू 1/r, लेकिन स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ का जो स्लोप होगा वो r के बराबर होगा, इसलिए वी बाई आई हो जाएगा, लेकिन स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ आई बाई वी, आई बाई वी बराबर कितना, 1/r, इट मीन्स वी बराबर क्या हो गया, आई आर, ये तो कांस्टेंट है, यानी वी प्रोपोर्शनल टू आई, इस तरह से ओम्स लॉ वेरीफाई हो रहा है। लेकिन वी आई ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ये स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, ये परपेंडिकुलर वी बाई कितना, आई, वी बाई इक्वल टू आर, ये याद रखना है। जो रेफरेंस बुक है उसका कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बहुत सा ग्राफ है इलेक्ट्रिसिटी का, आई वी ग्राफ में 1/r ले रहा है, वी आई ग्राफ में आर ले रहा है, उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो एक बार किताब को भी देख लेना है प्रैक्टिकल कॉपी में। और लास्ट में जो है वाइवा वॉइस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन है जो तुम्हारा पढ़ा हुआ भी है, और एक बार पढ़ लोगे तो रिवीजन हो जाएगा। और आगे में हम लोग मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल करेंगे, मीटर ब्रिज में दो प्रैक्टिकल है वो आगे देखेंगे। ओके।